नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये वही तुलसी का प्लांट है जो मैंने आपके सामने ही रिपोर्ट किया था। अब ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। अभी मैंने इसके अंदर कोई खाद नहीं डाली है। अब मैं इसकी बात करती हूँ कि हमारी ये तुलसी हरी भरी कैसे रहे और इसमें खूब सारी शाखाएं आएं और ये जो है बहुत स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें इसमें गुड़ाई करनी है, हमें हल्के हाथों से इसके अंदर ऐसे गुड़ाई करनी है, हल्के हल्के हाथों से, और गुड़ाई करके इसे छोड़ देना है। फिर इसके अंदर जो नई शूट आ रही है, ये मैंने तोड़ लिया है जन्माष्टमी पे, इसका टिप जो था मैंने तोड़ लिया था प्रसाद के लिए। मैं आपको दूसरे प्लांट में दिखाती हूँ। ये जैसे ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वाली शूट को आप पिंच करना है, इसे आप तोड़ दीजिए। तोड़ने से क्या होगा कि इसमें जो छोटी छोटी नई पत्तियां आ रही हैं, नई शूट्स आएंगी, वो तेजी से बढ़ेंगी। जैसे इसमें ये देखिए, मैंने ये तोड़ लिया था ऊपर से, तो इसके साइड से दो ब्रांचेज आ गई हैं और नीचे वाली ब्रांचेज भी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। देखिए आप, ये देखिए, फिर जब ये बड़ी हो जाएंगी थोड़े दिनों बाद, आप फिर यहाँ से देखिए, मैं बताती हूँ कि कैसे तोड़ना है इसको। ये देखिए आप, आपको ये जो दो पत्तियाँ हैं और इसके ऊपर ये थोड़ा सा ऐसे छोड़कर यहाँ से कट कर दीजिए। देखिए अब ये दो पत्तियों के बीच में से नई शाखाएं आएंगी और ऐसे ही आपका तुलसी का पौधा हरा भरा होता रहेगा। बहुत ज़रूरी है इसके अंदर से पत्तियां तोड़ना, यानी कि पिंचिंग करना, उससे ये पौधा हरा भरा रहता है, स्वस्थ रहता है और आपको सालों साल ये अपने हरे पत्ते देता रहता है। देखिए बारिशों में कहीं कहीं कीड़ा भी लग जाता है, आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर, जिससे ये कीड़े ना लगें। आपको बारिशों में हर हफ्ते अपने सभी प्लांट्स पर नीम ऑयल स्प्रे करना है, जिससे उन पे कोई अटैक, जो कीड़ों का अटैक हो जाता है वो ना हो। अगर उसके बाद भी कीड़ों का अटैक हो जाता है तो आप मार्केट से, बीज भंडार से दवाई लाकर अपने सभी प्लांट्स पे स्प्रे कर दीजिए, जिससे वो कीड़े जल्द से जल्द आपके प्लांट्स पर से हट जाएं। मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ कि अगर मलीबग का या स्पाइडर माइट का या और किसी कीड़े का आपके प्लांट्स पे अटैक हो जाता है और वो एक से बहुत ज़्यादा प्लांट्स पर हो जाता है, तो आप नीम स्प्रे ना करके मार्केट से जो दवाई आती है, मेलाथिन और भी कई दवाइयाँ आती हैं, उसको आप ले लीजिए और उसका स्प्रे आप अपने प्लांट्स पे कीजिए। आप दुकानदार से पूछ भी सकते हैं कि कितना डालना है स्प्रे के अंदर, वो जितना भी बताता है आप उसे थोड़ी कमी क्वांटिटी रखें, क्योंकि जब हमारे प्लांट्स पहली बार किसी स्प्रे किया जाता है, हो सकता है उस पर ज़्यादा तेज़ी से इफ़ेक्ट हो, इसलिए आप थोड़ा सा उसे डाइल्यूट कर लीजिए या कम मात्रा में दीजिए।
चाहे आप हफ्ते में 2 बार दे दीजिए उसको, लेकिन पहली बार में कम से कम ही उसको क्वांटिटी में स्प्रे कीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फिर अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे। बाय।